नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि वे प्रत्यक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने रोहतक व कुरुक्षेत्र में छात्र संगठनों पर लाठीचार्ज की भी निंदा की है। छात्र संगठनों ने ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर को कॉलेज व यूनिवर्सिटी पर तालाबंदी करेंगे। राजकीय नेशनल कॉलेज के मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन किया व सरकार का पुतला फूंका। आप देख रहे हैं सिरसा पलपल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा कॉलेज व विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर के संघ करवाने के लिए ऐलान किए जाने के बाद में छात्र संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय व नेशनल कॉलेज के विभिन्न छात्र संगठनों ने राजकीय नेशनल कॉलेज के मुख्य द्वार के समक्ष एकत्र होकर के सरकार के खिलाफ नाराबाजी की और रोष जताया। वहीं छात्रों ने रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। साथ ही छात्रों ने रोहतक व कुरुक्षेत्र में संघ छात्र संगठनों पर लाठीचार्ज की भी घोर निंदा की है और उन्होंने मांग की है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं और छात्र संगठनों पर लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि सरकार अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर सरकार की पीठ लघु एबीपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष चुनाव के बहाने छात्र संघों को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि विभिन्न छात्र संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार छात्रों द्वारा नॉमिनेशन के दिन प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी तरह 17 अक्टूबर को भी पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जाएगा और यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजों की तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने मांग की है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज की है और झूठे मुकदमे बनाए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। मैं यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोग सभी छात्र संगठनों के विद्यार्थी हैं। जो कल कुरुक्षेत्र के अंदर लाठीचार्ज हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर लड़कियों को पुलिस कर्मियों द्वारा गाली गलौच हुआ, उसके अलावा रोहतक की बात करें तो वहां आंसू गैस के गोले फेंके गए। हम जब सरकार से ये मांग कर रहे थे, जब मंत्रियों के चुनाव डायरेक्ट ढंग से हो रहे हैं, पंच सरपंच के चुनाव डायरेक्ट ढंग से हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों के चुनाव डायरेक्ट ढंग क्यों नहीं हो रहे? सरकार को इसके खिलाफ जवाब देना होगा। और जिन पुलिस कर्मियों ने रोहतक कुरुक्षेत्र कैथल जींद के अंदर जहां भी महिला साथियों के ऊपर हमारे हमले किए हैं, उनसे गाली गलौच किया, उनके खिलाफ सरकार तुरंत से तुरंत एक्शन ले। और हम इस चीज का भी ऐलान करते हैं कि 17 तारीख तक ये अनशन ऐसे ही चलेगा। हम इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। हमारे जिन साथियों पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उनको भी रिहा किया जाए। 17 तारीख को भी जो 12 तारीख को नामांकन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, 17 तारीख को इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। सभी हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर तालाबंदी की जाएगी। और इसके बारे में सरकार की सीधी मंशा ये है कि जो इनके कठपुतलियां लोग हैं, एबीवीपी के लोग, उनकी लिस्टें पहले ही जारी हो चुकी हैं। उन लोगों के डायरेक्ट, उनके लोगों के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी है, वो चुने जा चुके हैं। और सरकार ने जो लिंक दो कमेटी की वो सिफारिशें जारी की, उसके अंदर 5 लोगों को यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉमिनेट करेंगे, वो बात सीधे ही सरकार के नुमिंदे होंगे, एबीपी के लोग होंगे। इसके खिलाफ हम शरे हम जी सरकार से ये बात कहेंगे। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवा रही है, ये सरासर गलत है। जो विद्यार्थियों के लिए आज लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से, जो कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और एमडी यूनिवर्सिटी में हमारी लड़की साथियों को जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने पीटा है, उनको चोटें भी आई हैं और झूठे मुकदमे भी बनाए गए हैं। लेकिन लोकतंत्र का अधिकार है कि सबको अपना राइट्स है प्रदर्शन करने का, धरने करने का, लेकिन सरकार है आज बच्चों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है बलपूर्वक तरीके से। हम सभी स्टूडेंट संगठन जो नो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने उन लड़कियों पर जो झूठे मुकदमे बनाए हैं या फिर जो उसमें लाठीचार्ज किया उसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो।